बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच 5 अगस्त को शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दिया और देश छोड़ दिया। सेना ने कमान अपने हाथ में ले ली है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वेकर उज जमान ने कहा कि देश को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी ढाका में माहौल काफी खराब रहा। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुईं। नेताओं, अधिकारियों और कई संस्थानों पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया और बड़े पैमाने पर लूटपाट में करीब 100 लोग मारे गए। आज इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश में अब तक सेना की क्या भूमिका रही है और वहां कब कब तख्ता पलट हुआ। १९७० में तत्कालीन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के आम चुनावों में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में जीत दर्ज की थी। जीत के बावजूद मार्शल लॉ लगाकर उस समय पाकिस्तान पर शासन कर रहे सेना प्रमुख जनरल याहिया खान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इससे पूरे पूर्वी पाकिस्तान में अशांति फैल गई। 7 मार्च 1971 को मुजीब ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से अपील की कि वे बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर लें। जवाब में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया और विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए अभियान चलाया, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हत्याएं, अवैध गिरफ्तारियां, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हुई। इसके तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिससे बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन छिड़ गया। इन सैनिकों ने नागरिकों के साथ मिलकर मुक्ति वाहिनी का गठन किया और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध चलाया। जब बांग्लादेश को आजादी मिल गई तो मुक्ति वाहिनी के सदस्य बांग्लादेश सेना का हिस्सा बन गए। हालांकि आजादी के बाद कई सालों तक उन बंगाली सैनिकों के साथ भेदभाव हुआ जिन्होंने मुक्ति संग्राम की अगुवाई में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। इस वजह से सेना के भीतर तनाव उभरने लगा। 15 अगस्त 1975 को तनाव इतना बढ़ गया कि मुट्ठी भर युवा सैनिकों ने ढाका में लगभग पूरे परिवार सहित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। सिर्फ उनकी बेटियों शेख हसीना और शेख रेहाना को छोड़ा गया था। ये बांग्लादेश में पहला सैन्य तख्ता पलट था जिसे मेजर सैयद फारूक रहमान, मेजर खांडाकर अब्दुल रशीद और राजनेता खोंडाकर मुस्ताक अहमद ने लीड किया था। तब एक नया शासन स्थापित किया गया। मुस्ताक अहमद राष्ट्रपति बने और मेजर जनरल जियाउर रहमान को नए सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। महीनों बाद दूसरा तख्ता पलट हुआ। हालांकि नए शासक लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहे। 3 नवंबर को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने एक और तख्ता पलट को लीड किया और खुद को नया सेना प्रमुख नियुक्त किया। मुशर्रफ को मुजीब के सपोर्टर के रूप में देखा जाता था। उन्होंने जियाउर रहमान को घर में नजर बंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि बंगबंधु की हत्या के पीछे जियाउर रहमान का हाथ था। 7 नवंबर को तीसरा तख्ता पलट हुआ। इसे वामसपंथी सेना के जवानों ने जातीय समाजतांत्रिक दल के वामपंथी राजनेताओं के सहयोग से शुरू किया था। इस घटना को सिपाही जनता विप्लव, सैनिक और जन क्रांति के नाम से जाना जाता था। मुशर्रफ की हत्या कर दी गई और जियाउर रहमान राष्ट्रपति बन गए। जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया जिसने उस साल का आम चुनाव जीता था, लेकिन 1981 में मेजर जनरल मंजूर के नेतृत्व में एक विद्रोही सेना यूनिट ने उन्हें उखाड़ फेंका। इन विद्रोहियों ने राष्ट्रपति जियाउर रहमान पर उन सैनिकों का पक्ष लेने का आरोप लगाया जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया और जो आजादी के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे। 24 मार्च 1982 को तत्कालीन सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने तख्ता पलट करके सत्ता संभाली, संविधान को निलंबित कर दिया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। उन्होंने राष्ट्रपति अब्दुस सत्तार को उखाड़ फेंका जो जियाउर रहमान के उत्तराधिकारी बने थे। हालांकि इस बार कोई खून खराबा नहीं हुआ था। इरशाद ने 1986 में जातीय पार्टी की स्थापना की और 1982 के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में पहले आम चुनाव की अनुमति दी। उनकी पार्टी ने बहुमत हासिल किया और इरशाद 1990 तक राष्ट्रपति बने रहे।
देश में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। साल 1991 में बांग्लादेश में संसदीय लोकतंत्र लौट आया, लेकिन सेना की दखलंदाजी नहीं रुकी। 2006 में बीएनपी जमात सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीतिक उथल पुथल मच गई। नए चुनाव होने से पहले बीएनपी और अवामी लीग के बीच खींचतान चल रही थी। उस साल अक्टूबर में राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद ने खुद को कार्यवाहक सरकार का नेता घोषित किया और घोषणा की कि चुनाव अगले साल जनवरी में होंगे। हालांकि 11 जनवरी 2007 को सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने एक सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया, जिससे सैन्य समर्थित कार्यवाहक सरकार का गठन हुआ। इकोनॉमिस्ट फखरुद्दीन अहमद को सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया, जबकि राष्ट्रपति इयाजुद्दीन अहमद राष्ट्रपति पद पर बने रहे। मोइन ने सेना प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल 1 साल और कार्यवाहक सरकार का शासन 2 साल के लिए बढ़ा दिया। दिसंबर में राष्ट्रीय चुनाव होने के बाद 2008 में सेना का शासन समाप्त हो गया और शेख हसीना सत्ता में आईं। साल 2008 के बाद अब एक बार फिर बांग्लादेश की सत्ता सेना के हाथों में पहुंच गई है। अब देखना यह है कि कैसे और कब तक देश में शांति बहाल होगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।